मैं कुछ भी नहीं करता, लोग जबरदस्ती झगड़ा खड़ा कर देते हैं। तू ऐसे लोगों में जाता ही क्यों है? तो फिर क्या हो? कुछ काम काज कर, तू बच्चा है क्या? काम कैसे होगा? जैसे दुनिया करती है। अच्छा करूंगा। जाने ले, एक रुपए का घी लिया। कल देखा जाएगा। क्या बे? मैं बोला आज ये मिठाई खा लो। इतनी कहाँ से लाया? बस दिल से, मंदिर से, मंदिर से कैसे? कैसे? बस ऐसे। अबे बता दी। पर बताओ क्या? कोई बात नहीं है। लोग घबराने लगे थे। मैंने मुंह की चाबी तो उठा ली। हाथ में किसी भगवान की चाबी तो उठाते? इसमें क्या हुआ? हम भगवान का पैर भर गया था। ये बच्चे बड़े थे। क्या? रखिया वहाँ। हाँ लड्डू जी। अबे ये कॉफी ले ला। नानी? कौन अंदर? ओह रानी, अरे बाप रे, मैं तो समझा कि खेत का मालिक आ गया। क्या खेत मेरा नहीं? हाँ हाँ, खेत भी तेरा, मैं भी तेरा। हाँ हाँ, मैं भी तेरा। रानी एक बात तो बात करना अपनी माँ भाना से। मैं पूछती हूँ ये गन्ने क्यों तोड़े तूने? अरे गन्ना ही तोड़े हैं तो हम सब तेरे आम तोड़ लिए हैं। आम की जगह मेरे फूसा नहीं लेता। हाँ 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 हाँ, उसे क्यों दे रही है? ला मैं सीने से लगा लूँ। अच्छा नहीं है बदमाश, मुझे गांव पहुँचने दे। ए रानी, अज्ञानी, यमुना पे इतना नहीं डराया करो है।
क्यों मैं ये रानी से तेरी क्या बात है? अरे यार वो मुझसे प्रेम करती है। प्रेम? बेटा ये जूता क्यों दिखा रही थी मैं? यही तो एक चीज है राजा, अगर प्रेम को कभी कभी जूता न पड़े तो चलते चलते रुक जाता है। दिल होता दिल तो दिल बाब के ऐसी ऐसी है पता सोच लगे सरकार के सरकार के ऐसी ऐसी बात होता दिल मार के आओ क्या कहीं मार के काट दो पशुगल को मार दे चिड़ी माल मार के मार के मुझे तो आज से दमख्याल शरबत जब तलक मेरा बटेरा ग्यारह जा सुरखे जब तलक मेरा बटेरा सदाम तब तक अब तक की तीर की बचना भाई जरूर बचना तुम्हार को आना था मैं अब तक आई अरे जानी मेरा भी कल से पटाख रहा है। बाजी क्या लगती है? बाजी बटेर से बटेर ना पांच रुपए रुपए की बात यार क्या तुम ना ना पांच रुपए क्यों भाई मिले पांच रुपए यानी ये लगा डाल। अरे मैं कहता हूँ जीते को अपना बटेर हाँ लगा डाल क्या लगा रहे हाँ चलो फिर लगे क्यों हम तो एतबार नहीं ना मुझे दो एतबार नहीं तो ले जी ये दस रुपए रखो जिसका बटेर जीतेगा उसको देना। अच्छा आ जाओ मजाने आ जाओ अरे आओ लपटे लपक के जा क्या कर लिया बेटा सुरख है ला बिछा डालो पकड़ना ज्वालो तू कहाँ हवा खाने किसान हवा खाने रोटी तो आज घर में बनी नहीं मैंने सोचा चला आज हवा ही खा बस तो आ जरा बाजा मैं रोटी का सामान ले जाता है अभी हुआ जाता है जानी जानी और जानी मैं कहता था ना आपका पटेल शेर है। नहीं नहीं जरूर कुछ चालाकी हुई है। अच्छा जी जानी ने बटेर को नशा दे रखा है। अरे हाँ जानी के बटेर की आंखों में नशे के लाल डोरे साफ नजर आ रहे हैं। हाँ, जानी के बटेर ने बगल में बोतल भी छिपा रखी है। देखो अरी ये मारने वाले छो जी तरफ पैसे दिलवा दो। अरे जा बुझो क्या अच्छा नहीं कर रहा हूँ जानी बाली यार के रोता क्यों था चल बंदूक बंदूक ले बटेर तो ले ना
चले जाओ यहाँ से, तो एक एक को निशाना बना दूंगा संदेह। गांव में रहना मुश्किल कर दूंगा जानी। अब जा, गांव में रहना मुश्किल कर देगा। अच्छा चलो। और बोलते तो इतना कि ना इतराया को। अच्छा बाबू, बाबू, क्या हुआ तुम्हें? जानी ने बंदूक दिखाकर मुझसे पैसे छीन लिए हैं। तो कनीर की इतनी मजाल? बच्चे हैं नंबरदार जी, इनकी लड़ाई का क्या है? अभी फिर मिल बैठेंगे। सुबह ठीक कही थी, हमारे साथ तुम कनीरों का मेल भी क्या? शांति बाबा शांति, स्त्रियों को ऐसी बात नहीं कहा करते। वो आएगा उसे समझा देगी। बाबू वो आया। शाबाश है बेटा, एक इज्जत बाकी थी तो तुमने वो भी उतरवा दी। कौन माँ का जाया है जो तेरी तरफ देखे? जरा मैं भी तो सुनू। ये मैं बताता हूँ तुझे। जाने दो नंबरदार जी, ये तो मूर्ख है। तू काहे को हाथ जोड़ती है माँ? मेरे पैसे नहीं देता तो मैंने ठोक दिया। ठोक दिया हूँ। हाँ हाँ, कोई मुकर पाऊँ? मूर्ख हुआ है जाने। हटाए से तुम हर जाओ पुजारी जी, आज मैं इसे सीधा करके छोड़ूंगा। तुम नहीं बापू, इसे मैं सीधा करता हूँ। आओ तो जरा। जाने दो हरी, झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहिए। पछताया है तो बढ़ने दो जी, देखें कौन सा तीर मार लेंगे। हमने शंकर की बेटी को छेड़ा, अब मैं चुप नहीं रह सकता। मैं पंचों से ये पूछता हूँ, शंकर की बेटी क्या हम सबकी बेटी नहीं है? क्यों नहीं, शंकर की बेइज्जती हम सबकी बेइज्जती है। बहुत बढ़ता जा रहा है जी ये छोकरा, इसकी खूब खबर हो। अजी ये रोज रोज का टंका ही क्यों नहीं मिटाते? उन्हें बिरादरी से निकाल बाहर करो। मेरा दिल तो ये करता है उस बदमाश की गर्दन तोड़ के रख दूं। हाँ उसको तो जब पता चले कि उल्टा लटका के उसकी चमड़ी उधर दी जाए। भगवान से डरो बेटा, भूल सभी से हो जाती है। शुक्रा जी हाँ, तो मंजूरी है पंचों की? माई नंदी, कान खोल कर सुन ले पंचों का फैसला। आज से तुम्हारे घर का हुक्का पानी बंद। गरीब की बात किसी ने नहीं की, तुम्हारा पंचों में परमेश्वर होता है। ये सच है माई, पंचों में परमेश्वर जरूर होता है। झूठ, परमेश्वर होता तो भरी पंचायत में कोई तो दयालु निकलता। मुझे तो ये सब दया की मूर्तियां नजर आती हैं माई, ये जरूर माफ कर देंगे। पुजारी जी ये दुनियादारी की बातें हैं, तुम इनमें ना बोलो। बाबा एक अंग दुखने से सारे शरीर में पीड़ा होती है। जाने के करतूत ऐसे हैं पुजारी जी कि उसे माफ नहीं किया जा सकता। सजा देने से माफ कर देना बहुत उच्च कर्म है नंबरदार जी। तो आपका ये मतलब है कि जो गांव की बहू बेटियों की इज्जत लेना चाहे उसे हम सब भी बिठा दें? नहीं, मेरा मतलब ये है कि मुझे उसे समझाने का मौका दो। अगर सुबह का भटका मुसाफिर शाम को लौट आए तो किवाड़ नहीं बंद रखना चाहिए। मैं तुम्हारी बात कभी न टालता बाबा, मगर पंचों के फैसले के आगे मजबूर। जाने दो बाबा, यहाँ दया किसी के मन में नहीं। चौकीदार गांव में आवाज लगा दो कि पंचों की राय से जानी के घर का आज से हुक्का पानी बंद। देख देख मत, आज भी सही दिन गया। अब तो खुश है ना माँ? हाँ मेरे बाल। क्या बात है? आज देर मैं कहीं भी नहीं गया हूँ। जा भी कहाँ सकता, उसकी कोई बात भी नहीं करेगा। बात भी नहीं करेगा? यह है क्या, कौन बात नहीं करेगा? सारा गांव पंचायत में हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया। क्यों, किसलिए? जाओ पूछो उनसे। वो बताओ भी माँ, मैं तुम अपना सर फोड़ लूंगा। बताओ भी माँ। बता अपना सर, तेरे करतूत और क्या? समझा, ये सब शरारत तुम्हारी के बच्चों की है। यानी जाना तो लपक के लल्लू के पास। कहना बंदूक भेजा मैं खेतर बंदूक के बच्चे, अब क्या गांव से भी निकल जाएगा? तू चुप रहे माँ, मैं आज उसका खून करके छोड़ूंगा। नहीं मानेगा तू?
क्या है जानी? कुछ नहीं माँ। नींद नहीं आती? हाँ नींद नहीं आती। चल सर में जरा तेल डाल, फिर नींद आ जाएगी। नहीं माँ मैं सो जाऊंगा। अरे चल सर में, फिर ठंडा हो जाएगा। नहीं माँ चल। कल से मैं कोई काम भी करूंगा। काम कहाँ करूँ? काम वाले तो हम कोई काम नहीं करेंगे। मैं साथ के गाँव में ढूंढूंगा जाकर। पंछी गिरा रही थी। जानी हाय राम, तुम कैसे जानी बन गए? लच्छी तो कहती थी कि बिना उसके उसके बिना जानी बन ही नहीं सकता। अभी किसके बिना नहीं बन सकता? क्या नाम है उसका? निगोड़ी बड़ी खराब चीज होती है। हाय तुम तो डाकू हो। नहीं जी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अरे वही जो लच्छी को हो गया था। तो लच्छी कौन है? अरे तुम इतना भी नहीं जानते? अरे वही लच्छी मेरी सखी जो दिलीप के लिए रहा करती है और उसके बापू ने से पकड़ के खूब पीटा था। खूब पीटा होगा। उसे शायद
प्रेम हो गया होगा प्रेम। अरे अरे यही यही तुम तो बड़े पंडित मालूम होते हो। जी मैं वो ही पंडित है। अच्छा तो ये बताओ कि तुम बिना प्रेम प्रेम कैसे जाने बन। रोम किस लिए? लच्छी कहती थी प्रेम करने से एकदम रोना आ जाता है। मैं रोने लगा था पर ऊपर से तुम आ गई। अच्छा अच्छा तुम्हें कुछ प्यास लगी है? प्यास दो पिला दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। चला बैठो। जब प्रेम करने से एकदम रोना आ जाता है तो लोग प्रेम करते ही क्यों हैं? लोग प्रेम करते ही क्यों हैं? क्या बताऊं मैं खुद नया फंसा हूँ। मेरा ख्याल है प्रेम करता वरता कोई नहीं, खुद ही हो जाता है। खुद ही हो जाता है। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम मेरा नाम बन्नी है, मगर सब लोग मुझे बिल्लो बिल्लो कहकर पुकारते हैं। मैं भी कह दिया करूँ बिल्लो। हाँ मगर तुम कैसे कहोगे? क्या मेरी जबान गल जाएगी? अरे नहीं तुम समझते तो हो नहीं। तुम समझा दो। अरे तुम रहते तो हो दीना नगर में, क्या मुझे बिल्लो कहकर पुकारने के लिए पास कोस से चलते आया करोगे? हाँ मैं बिल्लो कहकर पुकारने के लिए हर रोज आया करूँगा। अरे तुम तो पागलों जैसी बातें करते हो, भला कोई इतनी सी बात के लिए इतना चक्कर काटा करता है? है तो इतनी सी बात बिल्लो, मगर मेरा जी चाहता है कि इतनी सी बात के लिए मैं रोज चक्कर काटा करूँ। तुम हमको नहीं तो एक बात कहूँ, तुम कहोगे पगली है। नहीं, 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 नहीं कहोगे कहूँ जी तो मेरा भी यही चाहता है। माँ आज बड़ा मजा आया। क्या हुआ मजे की बच्ची? अरे क्यों हर वक्त हंसती रहती है देखते नहीं? जवान जवान होकर क्या मुंह भर के कहती है बड़ा मजा आया। तो हुआ क्या, आखिर बच्ची ही तो है। बेटा तू आ जा मेरे पास। आपके खेत में एक छोकरा आ गया। अच्छा हाँ मैं समझी होगा कोई ढोर डंगर, मैंने जो गुल्ला मारा तो छोकरा निकला। लगा उसके खून निकल आया। खून? और फिर मैं पट्टी में बांधती तो क्या करती? बहुत अच्छा किया बेटा तूने। हाँ बाबा 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 वो बड़ा अच्छा था। कौन था बेटा वो? दीना नगर से आया था, मैं झूठ नहीं कहती, वो खुद कहता था कि उसका नाम जानी है। जानी? अरे हाँ जानू, अरे मैं खूब पहचानता हूँ उसे। हाँ बाबा, अरे हाँ, हाँ, हाँ। बाबा वो बड़ा अच्छा है। अच्छा अच्छा सुन लिया, ये जानू वही तो नहीं मूलचंद का बेटा? अरे हाँ वही तो, अपने यहाँ कई बार आया। अरे चल बिल्लू मैंने न चलेगी अभी जा रही हूँ। माँ जानू कोई जरूरत नहीं, घर में जितने काम पड़े हैं। बापू अरे फिल्म तो ठंडी हो गई, बिल्लू की माँ जरा से आग रख दो तो। बापू बापू लक्ष्मी स्कंद का क्या है, मगर मैं तुझे गलियों में दौड़ाने लगाने नहीं दूंगी। अरे गलिए बड़ी वो है ये छोकरी, गजब हो जाए बिहानी लायक हो गई है और अभी इससे खेल नहीं छूटे। बिल्लो की माँ तेरी राय में ये जानी कैसा रहेगा, तुमने तो इसे देखा ही है। देखा है मैंने भूख नाचती हूँ। अरे भगवान गरीबी अमीरी तो धरती छाया है, बोल तो आदमी का डालना चाहिए। ठीक रखिए मारते हैं मैं उठो नहीं गुड़ 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 पहले ठीक से रखना मुझे कुछ।
जाएगी बिल्कुल। माँ भैया जरा बात रही तो बच्चा होता था ना। हाँ तो क्या करूँ, मेरा बाहर ले जाऊंगा। कहाँ? तो प्रेम नगर के नंबरदार से मिल जाए माँ। भैया अच्छी माँ है भैया, आप मेरा बनवानी बात क्या? वो कुछ तुम कैसे आए हो? तुम्हारे बापू को बाजरी की रकम चुकानी। बापू तो कुटी से गाँव गए। अच्छा तो तुम ही ले जाओ। अरे तुमने तो गिरा दिए। मुझे क्या मालूम था ये इतने भारी है। रुपए चुनक रहे हैं यानी? देखो हरी ने दिए हैं। कितने हैं? बहुत ज्यादा। देखो कितने भारी हैं। जाने तुमने कभी इतने रुपए देखे हैं? यहाँ तो रुपयों की बोरियां भरी पड़ी हैं। पूछेगी क्या? भगवान की दया से सब कुछ है। इनके हमेशा छन छन की आवाज आया करती। और नहीं तो क्या, तुम्हारे मांगने को नहीं आए थे? छी छी छी, जब तुम इतने अमीर हो तो तुम कैसे मांगोगे? अमीरी की कोई हद है? देखती नहीं रहती दुपट्टा। कितना अच्छा है यानी कितना है? होगा किसका? बेचारी माँ की तो आज की निशानी उठाना होगा। खबरदार, जो मेरी माँ का नाम लिया। जाने, जाने,
आगे तो हुक्का पानी बंद करवाया है, अब 12 पत्थर के बाहर निकलवा के छोड़ूंगा। मर गए 12 पत्थर बाहर भेजने वाले। छोड़ दे बिल्लो, आज नहीं तो नहीं छोड़ू। आओ आओ जानी आओ। आओ कैसे आना हुआ? तुम्हारे पास आया हूँ। ऐसा मैं खेती करूंगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम जैसे खेती नहीं करेंगे तो और क्या किसान लोग करेंगे? नहीं सेठ, मैं खेती करूंगा। तुम बात तो ऐसे आसानी से कर रहे हो जैसे शरीर में तो बटेर लड़ाऊंगा। भाई सेठ सच कहता हूँ, मैंने इरादा कर लिया है कि मैं खेती जरूर करूँ। थोड़ी देर के लिए मान लिया, फिर बाद में सेठ बैल वगैरह खरीदने के लिए मुझे 500 रुपए दिए। इतना तो नहीं जाएगा। तो फिर मुझे अरे बाबा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे गांव के नंबरदार तुम हो। अरे रुपया बेधड़क दे दो सेठ, फसल पक्के चुका दूंगा। हमारी मानो जानी पहलवान, बटेरे लड़ाओ और चैन की बंसी बजाओ, खेती का खतरा तुमसे ना होगा। सेठ खेती होगी और जरूर होगी, यानी जिस काम के पीछे लग जाए वो पूरा होके ही रहता है। तो भाई जानी, पैसा तो नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? ना माल ना खेती, खर्चा की चीजें दे दी। माल खेती सब हो जाएगा सेठ, हो जाएगा तो कर्जा नहीं दिया जाता। हम तो ये देखते हैं मुर्गी इस वक्त कितनी मोटी है, तो खेती का आधा निकला लो। तुम जाने खेती तुमसे होगी भी या नहीं, जैसे चाहो विश्वास करा लो, और तो कोई सूरत नहीं। हाँ तुम्हारा मकान है। मकान? हाँ मकान है तो टूटा फूटा, लेकिन खैर तुम्हारी खातर में मान जाता। मकान तो अच्छा मंजूर है फिर, लेकिन मेरी माँ को पता ना चले। अरे तू अंगूठा लगा और रुपया जी, माँ को क्या पता। टैनी, अरे टैनी जरा जरा नहीं ना खूंटे से बांध दे। ना बाबा, चोरी के माल को मैं हाथ नहीं लगा। अबे चोरी के नहीं है, अपने अपने। हाँ अब तो अपने ही समझो। अरे बैल कितने है जाने? अरे खरीद के लाया हूँ ना। ठीक तो है, बटेर देखे बाल ले लिए होंगे। बोल जानी, मां की जीत सच बोल। अरे नहीं माँ, तू भी उस कितने की बातों में आ गई है। पूरे 500 ऊपर तले गिर गए। 500? कहाँ से 500? बटेर की ऊन बेची थी, तू नहीं मानेगा तैनी? बोल जानी। मैंने दमरी मल से कर्जा लिया है। कर्जा? इतना कैसे दे दिया उसने? मुझे खुद आशा नहीं थी, मगर माँ वो इतना आदमी निकला है कि दमरी मल। लोगों ने उसे यही बदनाम कर रखा है माँ, मेरे कहे की देर की निकाल के झट नीचे रख दी। बंदूक की शक्ल देख कर करता रिपोर्ट। तब कभी तो समझा कर पहले। मैं लाख बुरा हूँ माँ, लेकिन जुबान से निकाल के कभी नहीं कहता। आज तेरी बातें से मुझे अपना सुहाग याद आ गया बेटा, तेरे बाप की बात का सही था। मैंने तुझे बहुत दुख दिया है ना माँ। पगला, मेरा दुख सबसे तुझसे अलग से। बैल आ गए हैं माँ, अब समय बदलते कोई भी देर नहीं लगेगी। मैं अनाज के कोठे भर दूंगा और तुझे तुझे माँ मैं सोने में पीली कर दूंगा और इतनी बड़ी पगड़ी बांध के अपने घर में लड़के जी।
प्रेमी रूठता है मनाने के मधु लूटने के लिए समझी मिला कैसे वो ब्याह नहीं आएगा तो चल बिना लगे चले अरे चल पतली ही है तू माँ कैसे जाने देगी इसीलिए तो कहती हूँ उसे उस्ताद माना कर जरा देखना बात की सफाई दिल्ली को मैं जरा दीने नगर तक ले जाओ नहीं दीदी नहीं मैं तो इसे दूसरे गांव नहीं जाने दूंगी अरे क्या बदली टूट रहा है ठीक हो जाओगी अरे तुझे क्या हुआ तेरा जी तो अच्छा है कुछ नहीं चाचा जरा बुखार आ गया है बापू देखो मगर देखो कैसे मोटा की तरह चल रही है मैंने सोचा था दीने नगर जाकर हकीम को हाथ दिखाऊं पर खैर मुझे क्या मालूम था बच्ची जाने जा बिल्लो के साथ जा बेटा जी के साथ ना बाबा तुझसे इतना नहीं चला जाता और घर में दूसरे बीच काम जो पड़े हैं वो तू जा मैं सब कर लूंगी तुम कहती हो तो चली जाती हूँ चल बच्ची तुझे हकीम को दिखा लाऊ बिल्लो वापस जल्दी लौट आना बेटा अच्छा बापू मैं करती हूँ ठीक है मैं तो खेल चलते चलते क्यों भैया क्या नाम है तुम्हारा क्यों क्या भर्ती करोगी नहीं मैं तो जरा प्यास लग रही थी तो मेरा नाम कौन सा पोना गन्ना है जो चीज के प्यास बुझा लोगी अरे राम राम ये बात नहीं है मैंने कहा जान से चल अच्छी होती है मेरा नाम लच्छी है अच्छा तो फिर इसका कोई इलाज इलाज क्या तुम भी बीमार हो बीमार तो नहीं था लेकिन अब बीमार होना ही पड़ेगा शायद हाँ बाबा दिल तो दिल से राह होती है दिलो का दुख आखिर कब तक तुम पे असर न करता क्या हुआ भी लोग पच्चीस गए ना आखिर अरे अरे बिल्लो तेरा हाल पूछ रहा है अरे जवानी कैसी कुछ कैसी हूँ चल ना 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 भाई मैं नहीं जाती तू जाकर कह दे पहले तुम भी खराब था अब अच्छी हूँ बोलती है पहले कुछ भी खराब था अब अच्छी हूँ पहले मैं तो अच्छा बना था मगर आप कुछ होकर रहे बोलता है पहले तो मैं अच्छा बना था मगर अब कुछ कुछ हो रहा है तो उसे कहो
वो भी हमारे साथ चल के हकीम जी को हाथ दिखाए। तो चलो तुम भी हकीम को हाथ दिखा लो। अरे मेरे हाथ तो अच्छे बने हैं, तकलीफ तो आंखों को है। क्या हुआ पूछती है आंखों को क्या हुआ? उसे कहो तुम्हारी चमक पड़ती है। बोलो मैं चली जाऊँ यहाँ से? बोलती है चली जाओ यहाँ से। उसको पूछो हाथ जोड़ू जाओ ना। सुन लिया है उसने, ला दो भूत लक्की पिला दो तो हम चले गए। ए टैनी इधरा। बिल्लो चल आ लक्की पीने से चलते हो। तू पी ले मैं यही खड़ी हूँ। क्या भैया इसको लक्की पिला मैं पानी ठीक कर रही हूँ। मैंने कहा जान पहचान जरा अच्छी होती है। मेरा नाम टैनी। मेरा नाम लक्की है। लक्की है मैंने सुन लिया। तुमने सब कुछ सुन लिया, तू सब कुछ जानता है। क्या भाई उधर क्या देखती हो? चलो लस्सी पियो लस्सी। क्या देख देख मेरे साथ मजाक नहीं है? जब तू भी लस्सी पी ले। बस भर गया मेरा पेट। गरीब क्या किसी का पेट भरेंगे, उनके पास रखा ही क्या है। मुझे उन बातों की परवाह नहीं है जानी। पैसे में बड़ी ताकत है बिल्लो। हम मेरी गलती है जानी, तेरा कोई दोष नहीं। तू गलती कहेगी, अच्छा किया तूने। पर मुझे भी पता चल गया कि दुनिया में पैसा क्या चीज है। तू ये ना समझना कि मैं गुस्से हूँ तुझसे। मैं तेरे पास आऊंगा जरूर वही सूरत बनाकर जिसे तू पसंद करती है, और उतनी ही थैलियां लेकर जिनका वजन हरे की थैली है। अगर तुमने ये समझा है तो कुछ भी नहीं समझा। खैर समझ लूंगा होने होने अगर कुछ बात की बात। चल चल तू लस्सी को मिले। चल बैठो बोलो। मैंने एक लस्सी गिलास वाला। मैंने कहा जान पहचान मेरा अच्छी होती है। मेरा नाम टैनी है। मेरा नाम क्या है? बिल्लो। अबे बिल्लो ओहो यहाँ तो बड़े चवल हो रहे हैं। ओ हरी उस दिन के बाद आज शक्ल दिखाई। तू यहाँ कैसे आई बिल्लो? अब तू कौन होता है कुटिया वाला? ये इनके मामू लगते हैं। अरे ओ टैनी भैया जरा हो जाए तमाशा। क्यों नंबरदार जी क्या सलाह है? हटाओ जानी, अगर शर्म वाला होगा तो खुद ही मर जाएगा। शर्म तो वो रोज रोटी के साथ खाता है। अबे यहाँ क्यों आया तू? एक तो यहाँ दूसरे गांव की लड़कियाँ घेरते हो, ऊपर से करते हो। अरे उसकी क्यों नहीं, वो जाने दो खातिर, बेचारा मेरा बहुत ख्याल रखता है। ये सब तेरी बदमाशी है, देख लूंगा तुझे। अबे जा देख लूंगा तुझे। तुम लोग करो राम राम लाला। राम राम छोटे नंबरदार जी। कहिए बहुत दिनों के बाद आना हुआ। क्या कहे पेट फुर्सती नहीं मिलती। क्यों नहीं, भगवान की कृपा से जमींदार आने तो बहुत भारी है। कहिए क्या सेवा करूँ? तनी ने छुट्टी शुरू कर दी है। हाँ जी उसने तो बैंड भी खरीद लिए हैं। आपको नहीं खरीद भला 500 से कम क्या लगे होंगे? हाँ हाँ पूरे 500। वही बनती है माई नंदी रखती है जैसे 500 फूटी पड़ी ना हो। और अब देखो एकदम 500 निकाल के रखिए। अरे राम राम करो नंबरदार जी। गंजी भाई क्या निचोड़ेगी क्या, रुपये तो मैंने दिए हैं। अच्छा तो आप है वो दो तासुरु? मैंने तो कर्जा दिया है, सूट लिया है दुर्गा सूट। अरे ये सबक और किसी को सिखाना लाला जानिए। और सूट दे क्या? सूट नहीं देगा? मैं सूट छोड़ दू? बनिया सूट छोड़ दे। अरे सूट तो हम बाप को ना छोड़े हरी जी। और जब तो देखो तो देख लिया जानी जैसे कितनों को तो रोज चूल्हा लगाता हूँ तुम्हें क्या मालूम। मेरा पैसा। पैसा वसूल करना है लाला तो अब मेरे कहने पे चलना होगा। मैं तुमसे पैसा वसूल करूंगा। मैं पंचायत उठाऊंगा, पाई पाई तुमसे वसूल करूंगा। मेरा पैसा कहीं नहीं गया, मैं तुमसे लूंगा, तुमसे लूंगा, तुमसे। क्या कहा? कुछ नहीं, जैसे तुम कहोगे वैसे ही करूंगा। हाँ
क्या बात है? जिसका पैसा छीन कर बैल लाए हो, बैल उसको दे दो। है? पैसा छीना? किसका पैसा छीना? ओहो, जैसे बेचारा कुछ जानता ही नहीं। हमें सब मालूम हो चुका है, तू लाला दमड़ी मन से पैसा छीन कर लाया है। कौन कहता है? मैं कहता हूँ, जिसे बंदूक दिखाकर लूट लाए हो। और कौन कहता है? क्या बात करती हूँ लाला, जिसका घर लूट जाए वो बात भी ना करे। देखो चौधरी अंधेर, बैल इसके हवाले कर दो जानी। मैंने पैसा छूट कर लिया, ये झूठ बोलता है। तेरा क्या तू देखकर तुझे पैसा देगा? मेरे गांव में ये अंधेर नहीं चलेगा जानी, बैल दे दो इसे। मैं सच कहता हूँ नंबरदार जी, उधार लेकर मैंने बैल खरीदे हैं। तो मैंने सोचा था कि मेहनत करके पैसा कमाना चाहिए। चलो खोलो बैल। खबरदार जो बैलों को हाथ लगाया, खबरदार जो आगे बढ़े। चलो उस दिन तूने पूछा था ना कि मैं कौन होता हूँ, ये है उसका जवाब। तूने मुझे क्यों पकड़ लिया माँ? देख लो मेरे बैल ले गए। मुझे क्यों ले गए? क्या बात है जानी? क्यों ले गए? मैं तुझे क्या बताऊँ? मैं क्या बताऊँ मेरे बैल क्यों क्यों ले गए? मुझे नहीं बता दी जानी। अब रहा ही क्या है जो बताऊंगा। वो बैल छीन के क्यों ले गई? ले गए क्योंकि वो ताकतवर थे, इसलिए। ये कैसे हो सकता है? यही होता है माँ, तो तूने देखा नहीं? लेकिन बैल तो तुम्हारे थे ना। जब तक मेरे पास थे मेरे थे, अब उनके हैं। तुमने तो कर्जा लेके खुद खरीदे थे। कर्जा लेके? हाँ कर्जा लेके, लेकिन जानती है ना मैंने कर्जा किससे लिया था? पगली है मार, मुझे सूद पर कर्जा कम देता। अपना घर गिरवी रख के। घर? मैं बहुत बुरा हूं ना, मेरे देखे तेरे पास एक घर ही तो था, मैंने वो भी दे डाला। दिल छोटा न कर पगले, हमारे हाथ पांव तो चलते ही ना, हम मेहनत मजदूरी करके उसका कर्जा चुका देंगे। घर से तो हमें कोई नहीं निकाल सकता। घर से निकाल भी दे तो क्या फर्क पड़ता है माँ, घर तो वैसे भी उजाड़ था। बस जाएगा घर भी बेटा। अब क्या बसेगा माँ? मैंने बिल्लों से कहा था खेती से बहुत सौ रुपया कमा के तुझे बुढ़ाने आऊंगा। बिल्लो मैं तेरे लिए। बिल्लो कहाँ? बिल्लो बिल्लो वही बिल्लो माँ। नहीं मैं तुझे घर ले जाऊंगा। अबे जा, नहीं जा, रोता हुआ गया है। तो मैंने लिखा है और हो ही क्या सकता है। एक बोतल ले आया। क्या कह रहे हो? अबे मैं कह रहा हूँ एक बोतल ले आ। नहीं लाता क्या? तो कह दिया बोतल ले जाओ। सोने की चूड़ियां जरूर दे दो सर, ये मेरी बेटी की है और कल इसे ससुराल भेजना है। दिल्ली का पैसा और सूद दे दो, चूड़ियों ले जा। मगर सर
मेरी बीवी का दूसरा जेवर जो तुम्हारे पास पड़ा है, मैं सिर्फ बेटी की चूड़ियां ही मांगता हूँ। असल और सूट लाओ, दूसरी बात नहीं। अगर मेरे पास होता तो मैं हाथ बंद कर देता थे। मेरी बेटी खाली हाथ बैठी क्या करेगी? तो फिर डांट के मारना शुरू कर दो, बेटी के हाथ भी भर जाएंगे। तुम्हें मालूम जब से बेटी की शादी की है मैंने चोरी डाके से तौबा कर ली है। फिर शुरू कर दो, क्या जरूरत लगती है? फिर शुरू कर दो। हाँ हाँ जाओ, बिना पैसे के यहाँ कभी मत आना। अच्छी बात है सर, अब आया तो हिसाब बिल्कुल बराबर ही करके जाऊंगा। क्या हुआ भैया ने मुझे मारा? कहाँ है? बटर खाने में शराब पी रहा हूँ। इतनी बड़ी बोतल रखी है। चलते गए। तुम ये समझे थे कि मैं खून करके भी साफ निकल जाऊंगा? खून? कौन कहता मैंने खून किया है? इसका जवाब पुलिस वाले देंगे। लेते लो इसे। जबरदस्त जो आगे बढ़े लेते जाओ। मैंने कह दिया मैंने खून नहीं किया। लेते लो इसे। माई मंदी इसने लाला का खून कर दिया है। नहीं माँ, ये झूठ कहते हैं मैंने खून नहीं किया। नहीं नहीं, लो भाई हो गया फैसला। मैं जान का झूठ से जानती हूँ, बेटा दुनिया से छुपा जाए मगर माँ से नहीं छुपा सकता। क्यों फजूल तक खाती है? ये कानों सुनी नहीं आपको देखी बात है। छोड़ दे, इसका कोई दोष नहीं। बाबा क्या हुआ भाई? क्या मेरा बच्चा ऐसा काम कर सकता है? तुम्हें बताओ क्या वो ऐसा बुरा है? पर हुआ क्या? जैसे उसने खून कर डाला मेरी जानी में। खून? हाँ मगर ये झूठ है, मेरा जानी ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। पुजारी बाबा तुम ठीक कहती हो भाई, जानी इतने कठोर नहीं हो सकता। ये समझा वो उसे पकड़े लिए जा रही है। अच्छा चलो माई। जानी जानी हाँ नंबर घर ये छोड़ देती है, इसने सुबह से खाना ही नहीं खाया। अब तो अपने हाथ का पिसा हुआ खाएगा। स्पीकर नंबरदार जी, मैं एक विनती करने आया हूँ। पुजारी जी, इस दफा जानी ने किसी के भुक्के नहीं तोड़े हैं। खून किया है खून, थाने में इत्तला कर दी गई है पुजारी जी, इसलिए जानी को छोड़ना अब हमारे बस की बात नहीं। मैं जानी को छुड़ाने नहीं आया बाबा। तो फिर भैया और क्या सेवा करूँ? जानी को आज की रात मंदिर में गुजारने दो। भगवान हर जगह बिराज रहे हैं पुजारी जी, मंदिर न तो ही जिमखाना तो ही। मैं आपकी बात को कभी न मोड़ता पुजारी जी, मगर खूनी को यूँ कैसे जाने दिया जाए? सवेरे जानी आपके पास आ जाएगा। क्या भरोसा? मैं जिम्मेदार हूँ। मगर फायदा क्या? एक रात की पाप भूल जाएंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता बाबा। बड़ी मुश्किल में डाल दिया आप। भरम न करो बाबा, शायद यही ठीक है। जो आज्ञा हो गुरु जी, मैं आपकी बात को ना नहीं कर सकता। सुखी रहो। ललू जानी को खोल दो तो। बाबू अगर वो भाग गया तो? नहीं बेटा, पुजारी जी के होते हुए वो नहीं भाग सकता। बेटा तुम मेरे साथ आओ। जानी ये क्या है? हा? ये क्या है? ये मूर्ति है। हाँ मूर्ति है, भगवान की मूर्ति। जानते हो इसके सामने झूठ नहीं बोला जाता? जानता हूँ। तो तुम कह दो कि तुमने खून नहीं किया। तो फिर इससे क्या होगा? तुम कहो तो सही भैया। अच्छा मैंने खून नहीं किया,
मेरा कोई दोष नहीं। तुम सच कहते हो, मुझे पूरा विश्वास है कि खून तुमने नहीं किया। तो तुम्हारा विश्वास मुझे बचा थोड़ा लेगा? बचाने वाले तो भगवान खुद बैठे हैं। तो फिर पूछते क्यों नहीं अपने भगवान से? तो क्यों है भगवान से? क्या जो मनाता तेरे भगवान को? बेटा जानी, भगवान बहुत दुखी हो रहे हैं। अपने भगवान से कह दो जानी गरीब है। तेरा नाम लिखवा दिया, ये होता कौन? हरी का बच्चा मुझे भर्ती कराने वाला, देख लेता हूँ। अरे जानी, मैं कहता हूँ ये सरकारी मामला है, जल्दी नगर नहीं किसी और मुसीबत में फंस जाएगा। मुसीबत में? हाँ हाँ, मैं कहता हूँ पुजारी बाबा से जरूर पूछ ले। पुजारी बाबा मैं? अरे बड़ा पहुँचा हुआ है, जरूर कोई अच्छी सलाह देगा। तो यार मैं पूछ लूंगा। पूछ ही ले। क्या क्या क्या? मगर महाराज, ये शिक्षा विद्यार्थी ने दी है, खून बहाना बहुत बुरा काम है। तुम समझे नहीं बेटा, दुनिया में ना कोई काम अच्छा है और ना बुरा। वो कैसे महाराज? कोई मौका ऐसा होता है कि उस वक्त बुरा काम भी महापुण्य हो जाता है। बुरा काम और महापुण्य? हाँ, मानो कोई डाकू तुम्हारी माता के सर पर तलवार सौंप रहा हो। मैं उसका खून कर दूंगा। मगर खून बहाना तो तुम बुरा काम समझते हो। ये तो मैं माँ को बचाने के लिए करूँगा। शायद तुझे मालूम नहीं जानी कि
तेरी एक और भी माँ है। और माँ? हाँ, भारत माता। वह सबकी माँ है, उसने हम सबको जन्म दिया है। जानते हो जानी, उस पर आज क्या मुसीबत खड़ी है? दुश्मन खूनी हथियार लिए उसके सीने पर निशाना बांधे खड़ा है। वो जो हम सब माँ है, जो जन्म जन्म से हम पर ममता के फूल बरसा रही है, आज दुश्मन उस पर आग और तबाही बरसा रहा है। बोल जानी, ऐसे दुष्ट पर खून पाप है कि पुण्य? बस बस पुजारी बाबा, अब मुझे आपकी याद दीजिए। भर्ती करते हैं मैं भर्ती भी हो रहा हूँ। अक्कल तो नहीं मारी गई तेरी छोकरे, जो बात करता है वो डाली। रास्ता नहीं हुआ, मैं सचमुच जा रहा हूँ। नहीं समझती माँ, मुझे जाना ही चाहिए। क्या मुसीबत करनी है तुझे? माँ की मुसीबत क्या बेटे की मुसीबत नहीं? मुसीबत एक चक्के पीटने की तरह है ना। अरे पढ़ने की ये नहीं सोचता कि तेरे पास होते मैं गाँव में कितना तरबूज अगर की करती हूँ। सुन माँ, मुझे आज पता चला है मेरी एक और माँ भी है, उससे भी प्यारी। माँ? हाँ माँ, उसकी गर्दन पर दुश्मन की तलवार चमक रही है, वो मुझे पुकार रही है। कौन? भारत माता, मेरी माँ, तेरी माँ, हिंदू की माँ, मुसलमान की माँ, जिसने हम सबको जन्म दिया, जिसकी गोदियों में हम खेले, जिसका अंजल हमारे अंग अंग में रचा हुआ है। बोलो, उसका हम पे कुछ हक है कि नहीं? मुझे क्या पता बेटा? अब तो पता चल गया। बता मुझे, गांव में तेरा सर ऊंचा रखने के लिए सारी दुनिया में भारत माता का सर बेशक नीचा हो जाए? इतनी बुरी नहीं मैं बेटा। आज अगर मेरे पास 20 ग्राम होते तो भी मैं खुशी से भारत माता पे कुर्बान कर देती। रो मत माँ, मुझे खुशी से दिला कर। हाँ हाँ बेटा, एकदम खुशी। जा, मैंने तुझे 32 दिन माफ किया। माँ माँ, दिल तो तुम्हारे ही पास छोड़े। तुम दिखाई लगोगे तो आज की कैसे मानेगी? चंद ही दिनों की तो बात है, पाल झपक के गुजर जाएंगे। जुदाई का दिन पहाड़ न बन जाएंगे मेरे लिए। बिल्लो, जुदाई ना हो तो इंतजार के मजे कैसे आए? बिल्लो बिल्लो, विवेक विवेक भाई तो तीन अच्छे अच्छे देख जी, जब तक मैं तेरी नजर से ओझल ना हो जाऊं, इसी तरह से रहना है। आज आज बस नजर यानी रो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बिना जान से तुम्हारा इंतजार रहूंगा। तलवार है गंगा, हर दिन के अगल जान की बंदार है गंगा, हर दिन के अगल जान की बंदार है गंगा, दो दिन की तलवार का,
गोविंद की तलवार का हर वार रमा है धरती गोविंदा देने हम मस्ती में अजानों की सदा बंद न होगी मस्ती में अजानों की सदा बंद न होगी मंदिर में कन्हैया की लता बंद न होगी मंदिर में कन्हैया की लता बंद न होगी गुरुद्वारे में नानक गुरुद्वारे में नानक नवा बंद न होगी जो इनको मिटाएगा हम उनको मिटा देंगे है तुम्हारी मैं तो इसलिए आया था कि मैं बताऊं तुमसे राय लेने हाँ लंबरदार जी राय तो तुमसे भी लेनी थी मगर अब तो भला इतने राय की क्या जरूरत जो तुम्हारे दिल में है तो मेरे दिल में है असल में बात यह है लंबरदार जी कि बिल्लो की माँ मैं बताऊं बिल्लो की शादी पे जोर दे रही है ठीक तो है भाई अब देर काहे की पर वो तो कहती है कि बिल्लो की शादी मैं बताऊं अरे कुछ अपने बाप को भी कहने देगा या नहीं जाए बस अपनी शादी की बात नहीं बोला करते या हाँ जी तो क्या इरादा शादी बहुत जल्द हो जाए इरादा तो यही था मगर अब तो तुम जिस सोच में पड़े हो मैं जानता हूँ यही ना कि इस बात के लिए मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था मगर मैं तो आज कल में आने नहीं वाला था और अगर तुम भी आ गए तो मैं पूछता हूँ कौन से छोटे बन गए हमको गैर है क्या नहीं नहीं ये तो कोई बात नहीं तो फिर अब कौन सी बात रह गई मिलावा हो गई ना बात पक्की अच्छा किन किन बात कहनी क्या बड़ी बुरी है बोलो ना पहले तुम बैठ जाओ अच्छा हाँ कहो बात यह है चलो हो तो पहले ये बता बापू जी से पूछ लिया क्या वो शादी अभी हो जाएगी शादी भी कौन सा मुहूर्त चल रहा है नहीं नहीं अब शादी जल्दी हो जानी चाहिए मुझे बस शादी में देर अब फेंकनी है क्यों वकील ने कहा मजाक में ना रहा करो भाई मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ हाँ कहो अब तो जल्दी होगी शादी मगर तुम तो माँ बन रही हो मैं तुमसे शादी करके क्या करूँगा अरे समझी नहीं अब तक तो क्या ये तकलीफ था होगा नहीं नहीं अरे ऐसा ना कहो तुम मुझे शादी का वचन दे चुके हो तुझे दिलवाऊं मैं तुझ जैसे कितने खिलौनों को वचन दे चुका हूँ
मर गई भगवान, मगर नहीं मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम्हें खिलाना नहीं, मैं सब हाल तुम्हारे बापू से कह दूंगी। अच्छा, बापू से कहेगी? नहीं नहीं अरे छोड़ दो छोड़ दो। बापू ने कहा मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ बच्चे के लिए। तो जान ले, अगर ये बात तेरी जबान पे आई तो हमेशा के लिए जबान बंद कर दूंगा। मैंने तो रुपए भी दे दिया है बैल खरीदने के लिए। हाँ ये क्या है? और ये हार भेजा है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ हाँ। क्या कर रहा है ये हार? क्या था? खबरदार इसको हाथ मत लगाना, भैया ने भेजा है। अबे चल भैया वाले, खबरदार तू प्रिया आने दे भैया को, जरा तेरी बोलती बंद कर देगा। बोलो
नौकरी का मामला खड़ा रोज रोज तो नहीं आया जाता। तो तुझला कितना हो गया? वहाँ खाने को क्या क्या मिलता है? खाने को वहाँ दिन में 5 बार खाने को मिलता है। वहाँ भैया तुम तो पाप बन गए। अरे साहब क्या, मैं तो इंस्पेक्टर बन गया हूँ। इंस्पेक्टर क्या होता है बेटा? इंस्पेक्टर नहीं माँ, इंस्पेक्टर कहते हैं जो फौज को परेड सिखाता है। तुम यू नहीं समझोगे, अटेंशन होगा, अटेंशन। माँ माँ अब मैं तेरे पास ही रहूंगा। जो इंस्पेक्टर बन जाता है वो अपने गाँव में रहता है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। हमारे गेहूँ में बटेर बहुत है। बटेर तो हुए चौधरी, तू अपनी खेती की सुना। बहुत अच्छी बटेर भी तू जरा खेत जरा लगती पानी तो पीने दे उसे। चली चली बता हमसे नहीं क्या लाए। बता बता ना बता आपके रेंज हम नहीं बता क्या है क्या है बस। बंधु भैया मैं अभी चला के देखता हूँ। देखा मीठा फंक्शन है। बहुत ठीक है वहाँ माँ माँ मैं तेरे लिए लाया हूँ। देख रही बहना, अरे पगले मैं बुढ़िया अब ऐसे कपड़े भरा क्या कर दूंगी। माँ मेरी जिंदगी रही तो मैं तुझे इससे भी बढ़िया वाले पहनाऊंगा। माँ
मैं नजर बाहर घूम के आता हूँ। जानी क्या है माँ? कहाँ चले? कहीं जरा बाहर जाता हूँ। मैं समझ गई बेटा, मगर अब देर दुख देर कहाँ होगी, मैं भी आ जाऊंगा। क्या होगी कहाँ जानी? बारात जा चुकी। बारात? किसकी बारात? वो तू क्या कह रही है माँ? हरिया बिल्लो को बयान गया। बिल्लो को बयान है? अरे मैं अपने बेटी को शांति बहु ला के दूंगी, हमें क्या उसकी परवाह? नहीं नहीं माँ, बिल्लो अपनी जान दे देगी, तुझे जाने देना। काफी जानी, शादी हो चुकी होगी। नहीं माँ, ये शादी नहीं हो सकती। जानी देखे बरात आ गई। अच्छी दुनिया जानी आ गया है। जानी कहाँ है? खिड़की के पीछे खड़ा है। ये जाती हूँ दरवाजा बंद कर लेना। लच्छी लच्छी डर गई? अब समय में आया है। ये भी जान जाओगी हरी कहाँ है? बाहर हवेली में। जानी ना जाओ जानी, माँ खून हो जाएगी। खून करने तो जा रहा हूँ, छोड़ देंगे। जानी जानी मेरी ससुर। क्या तू चाहती है कि वो तुझे ब्याह के ले जाओ? मैं देखता रहूँ तकदीर वो दिखाए, तू देखनी ही पड़ता है जानी। अगर तकदीर का मतलब यही है तो तू मुझसे जुदा हो जाए, मैं उस तकदीर ही को बदल दूंगा। ये है तुम्हारे देवता स्वरूप हरि के करतूत। उधर तो इस भोली भाली लड़की को शादी के वचन देकर खराब किया, और इधर दूल्हा बनकर आ बैठा है। एक जन्म जली को बिना सिरे बांधे तबाह किया, और अब दूसरी को सिरे बांधकर बर्बाद करने आया है। क्या बात है हरि? सब झूठ है ये, मैं तो जानता नहीं। सो तुम इस लड़की को नहीं जानते? लाओ मुझे दो। पहचानो तो, इसे भी जानते हो या नहीं? ये तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारे झूठे वचनों का फल। तुम इससे नहीं मुकर सकते। ये वो आईना है जिसमें तुम्हारी शक्ल साफ नजर आ रही है, तो देखो गौर से देखो। देखा जाओ खैर जा कलंक के पीछे। मेरे सर पर ये पगड़ी तुम्हे नहीं पंचायत ने बधाई है, और अब वही होगा जो पंचायत फैसला करेगी। फैसला कहेगा बस ले जाओ यहां से अपने सपूत को। वो नहीं जी, रानी से उसकी शादी कराओ। हाँ ठीक है। ये ले अपना बच्चा उठाओ। नहीं सुनता? आओ रानी आओ। नंबरदार जी आप इसे आशीर्वाद दीजिए। जानी भी नहीं आया यहाँ। क्या आ गया जानी? हाँ इधर को आया था बड़े गुस्से में। अब गुस्से की कोई जरूरत नहीं, तुझको मुझसे कोई नहीं छुड़ा सकता। बिल्लो 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 मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा? जानी बिल्लो बिल्लो चल भाग चले। हाँ चल, मैं तुझे कहीं दूर ले जाऊँ, बहुत दूर जहाँ तकदीर भी ना पहुँच सके। नहीं जानी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बाप की इज्जत अपने सुखों से भी जा रही है। नहीं कोई आया है, तुम जाओ। नहीं मैं तुझे लिए बिना नहीं जाऊंगा।
मैं नहीं जा सकती जानी, भगवान के लिए तुम चले जाओ। क्या अपनी बिल्लो को बदनाम करोगे? तू सच कहती थी ना, अब देर हो चुकी है, चल घर पे। अरे चल पगले, मैं तुझे बिना बुलाऊंगी। हाँ हाँ भैया, सब ठीक हो गया। I'm gonna make you mine.